अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिस महनूर। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज के इस लेक्चर में हमने अपने क्वेश्चंस में ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और इसको चेक करना है जो हमारे पास क्वेश्चन है वही आंसर आ रहा है या नहीं। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 55 से। आज हम पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कंप्लीट देन चेक। हमने इसको कंप्लीट करना है और चेक करना है। कैसे करेंगे? आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्ट करना है। आपको टू वैल्यूज दी गई हैं, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा था। आपके पास क्वेश्चन है 5226 माइनस 1672। 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 7, 2 में से 7 माइनस नहीं होता। हमने क्या करना है, 1 कैरी लेंगे। 1 कैरी लिया, आपके पास जो 1 था वो टेंस में कन्वर्ट हो गया, यानी जो 2 था वो 12 बन गया। 12 माइनस 7 5। नेक्स्ट वैल्यू थी आपके पास 1, क्योंकि हमने जो थी 2 को कैरी दे दिया था। 2 में से जो हमने 1 कैरी दिया था, हमारे पास वैल्यू बची थी 1। 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 नहीं हो सकता। हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू से एक वैल्यू कैरी लेनी है। क्या बन जाएगा हमारा, 11। 11 माइनस 6 5। नेक्स्ट है आपके पास 4। 4 माइनस 1 3। अब आपने क्या करना है, जहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करके जो आपके पास आंसर आ रहा है आपने फर्स्ट पे लिखना है, देन उसको ऐड करना है जिससे आपने सब्ट्रैक्ट किया है, यानी 3554 को आपने सब प्लस करना है 1672 में। जिससे जिस वैल्यू से आपने सब्ट्रैक्शन की है, आपने उसको जो आंसर है उसमें ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 7 12, 12 का 2 हमने नीचे लिखा है, 1 कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 2 नीचे 1 हमने कैरी दे दिया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। आपके पास जो आंसर आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया था, उसके जैसा सेम आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आपने चेक क्या करना है, जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है सब्ट्रैक्शन में, आपके पास ऐड करके वो आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आपका क्वेश्चन है 9543 माइनस 5682। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 8 4 में से 8 माइनस नहीं होता, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेंगे। 14 माइनस 8 6, नेक्स्ट क्या बचा था हमारे पास, 4। 4 माइनस 6 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू से कैरी लेंगे। 14 माइनस 6 8, नेक्स्ट हमारे पास बचा था 8। 8 माइनस 5 3। क्या आंसर आया आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद, 3861। अब क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे हम अपने नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर एंड उसको ऐड करेंगे जिससे हमने सब्ट्रैक्ट किया था। क्या था हमारे पास, जिसको हमने वैल्यू में सब्ट्रैक्शन की थी, 5682, और आंसर हमारा क्या था, 3861। दोनों को अब ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 8 14, 4 नीचे 1 कैरी। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 15 का 5 नीचे लिखेंगे एंड 1 कैरी दे देंगे। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, आपके पास आंसर क्या आता है, 9543। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 3140 1285, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 5 0 में से 5 माइनस नहीं होता, आपने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू से 1 कैरी लेना है। 10 बन जाएगा आपका, 10 में से 5 माइनस किया 5, 13 में से 6 7, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट क्या करना है, आपने आपके पास जो आंसर आया है आपने फर्स्ट पे लिखना है, देन उसको ऐड करना है जिससे हमने सब्ट्रैक्ट किया था 1265 से। आपने ऐड करके चेक करना है जो आपके पास सब्ट्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू है, क्या वो आंसर आ रहा है या नहीं। 5 प्लस 5 10 0, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 का 4 नीचे 1 कैरी। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 नीचे लिखेंगे 1 कैरी देंगे। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर को आपने 2 से 3 बार अच्छी तरह सुनना है, इसको समझना है। कुछ समझ नहीं आती या इसका कोई सवाल है तो आपने ज़रूर पूछना है, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा।
और स्टूडेंट, इस लेक्चर के हवाले से आपको एक क्विज भी आएगा। आपने वो क्विज लाजमी सॉल्व करना है। आप वो क्विज तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले आपने लेक्चर सुनना है, इसको समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है। और उस क्विज की टाइमिंग नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे की है। वो क्विज आपको अगले दिन सुबह 9 बजे आएगा। तो स्टूडेंट, आपने सबसे पहले उस क्विज को अच्छे से देखना है और उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।